स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि 11th क्लास के 12th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड सभी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज हमें अच्छे से समझ आएगी। हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए एक हमारे पास फॉर्मूले हैं टू साइन ए कोस बी टू कोस ए साइन बी टू साइन ए साइन बी और टू कोस ए कोस बी। तो टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही टू कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ऐसे ही टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो इन चार फॉर्मूलों से रिलेटेड हमारी 7.3 में जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। हम अभी 1 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास साइन 3x इंटू कोस 4x। देखिए इससे पहले हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहां पर अगर हम साइन को टी मानेंगे कोस तो बनेगा, लेकिन ये एंगल 3x है और ये एंगल 4x है, तो ना तो मैं इसको कुछ टी पुट कर सकता हूँ ना ही मैं इसको कुछ मान सकता हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन से तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। अभी हम क्या करते हैं, यहां पर हम 2 से तो डिवाइड कर देते हैं और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया 2 साइन ए कोस ए, ये पहले वाला फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ए। तो ये ए हो गया और ये बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और ये हो गया हमारे पास डी एक्स। जरा ध्यान से देखना साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स, इंटीग्रल को हम अलग अलग कर देंगे तो साइन 7x का इंटीग्रल अलग हो जाएगा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। अब आप देखिए हमने जो मल्टीप्लाई में था वो सेपरेट होकर के हमारा प्लस माइनस में आ गया, इंडिविजुअल फंक्शन हमारे अलग अलग हो चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिए जरा यहां पर साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, अपोन में 7 भी आएगा, एक्स का कोफिशियंट नीचे लिखना पड़ेगा। साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो ये होगा माइनस 1/14 कोस 7x माइनस माइनस प्लस हाफ कोस एक्स प्लस सी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 6x, ये मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो ये वाले फॉर्मूले ही यूज होते हैं। अब इसलिए एक काम कर लेते हैं, पहले जो बड़ा एंगल उसे पहले लिख लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, किसी भी एंगल को कहीं भी लिख सकते हो, बट ये है कि थोड़ा बड़ा एंगल साथ में रहेगा तो नेगेटिव बनने के चांस ज्यादा रहेंगे अगर बड़ा एंगल हम पहले रखते हैं जी। अब आप देखिए 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास कोस 2
2x, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, ये रहा 2 cos a cos b का फॉर्मूला, ये बन जाएगा हमारे पास cos 6 plus 4x plus cos 6x minus 4x into cos 2x। अभी आप देखिए ये बनेगा cos 10x और ये cos 2x की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये बनेगा cos 2x 6x में से, जब हम 2x माइनस करेंगे तो ये बनेगा cos 2x और बाहर भी cos 2x, तो ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर 2x। अभी आप देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर एक ट्रिक यूज होगी वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। अभी ये दोबारा cos 10x और cos 2x मल्टीप्लाई में आएगा तो फिर ये फॉर्मूला हमारा यूज हो सकता है। तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस। अब ये cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए cos स्क्वायर x हो, अभी देखो tan स्क्वायर x को हम इंटीग्रेट करते हैं, tan स्क्वायर को चेंज करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है। ऐसे ही cot स्क्वायर x को अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो cot स्क्वायर x को कन्वर्ट करते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1 में। मैं लिखा लेता हूं यहां पर आपको, देखिए 3-6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देखिए भाई जैसे sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, sec स्क्वायर x का तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, सिंपल tan x plus c होगा। ऐसे ही अगर cosec स्क्वायर x हो तो सिंपल लिखवाया है cot x plus c, cosec स्क्वायर x का सीधा होता है माइनस cot x। ऐसे ही अगर हमें tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट, आप नोट करके लिख लेना कहीं एक जगह, tan स्क्वायर x को हमें इंटीग्रेट करना है तो tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया है तो tan स्क्वायर x को हम लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और फिर sec स्क्वायर x का होता है tan x और 1 का होता है x plus c। ऐसे ही अगर हमें cot स्क्वायर x को अगर हमें इंटीग्रेट करना हो, cot स्क्वायर x को हम लिखते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है हमारे पास माइनस cot x और 1 का होता है x प्लस c। लेकिन अगर हमें sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना हो या cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना हो, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, तो हम यूज करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, कौन से वाले, देखिए यहां पर sin स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 और cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। एंगल जो भी होगा उसका डबल हो जाएगा, अगर यहां पर 2 थीटा होगा तो यहां पर 4 थीटा बन जाएगा, यहां पर अगर होगा 3 थीटा यहां बन जाएगा 6 थीटा, ट्वाइस हो जाना है। ऐसे ही अब आप देखिए sin स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाय 2, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि 1 का इंटीग्रल तो x होता है, cos 2x का इंटीग्रल आएगा sin 2x और अपॉन में आएगा 2, x का कोफिशिएंट भी तो लिखना है, ठीक है। ऐसे ही cos स्क्वायर x को अगर इंटीग्रेट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस बीच में प्लस आ जाएगा। तो अभी हमें साइन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आ गया, कोस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टेन स्क्वायर कैसे करते हैं, कोट स्क्वायर कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर कैसे करते हैं, कोसेक स्क्वायर कैसे करते हैं। अब इनकी हाई पावर आ जाए, अगर क्यूब आ जाए, पावर 5 आ जाए, पावर 6 आ जाए, पावर 7, तो कैसे सोल्व करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने अभी आपको स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं स्क्वायर को बताया है।
ऐसा इसलिए बताया मैंने स्क्वायर को क्योंकि मेरा यहाँ पर बन गया कोस स्क्वायर 2x, तो कोस स्क्वायर 2x को हम लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का बना 2 थीटा, तो 2x का क्या बनेगा 4x, तो यहाँ पर आएगा 4x by 2 ब्रैकेट 1 इनटू dx। तो वीडियो को पॉज करके ये सभी आप नोट करते रहो, इंटीग्रेशन के नोट्स जरूर बनाने हैं, जितने भी मैं नोट बताऊं ना नोट करके आप ये सब नोट्स हैं कि नहीं आप बनाइए, तो अभी आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, आगे इंटीग्रेट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहां पर वन अपॉन टू का बाहर कॉमन आके बाहर बन जाएगा 1/4, ठीक है। टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहां पर, कोस ए प्लस बी यानी कि 12x प्लस कोस ए माइनस बी मतलब 10x माइनस 2x 8x प्लस 1/2 ये कॉमन आ चुका, तो बचा 1, ये बचा कोस 4x और ये हुआ हमारे पास dx। तो cos 12x का आएगा 12x का आएगा sin 12x upon 12 sin 8x upon 8 1 का x, इसका आएगा sin 4x upon 4 plus c। 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/48 साइन 12x 1/32 साइन 8x 1/4x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप खुद करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है। 6 में लिखता हूं पहले आपका साइन x साइन 2x साइन 3x और क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 4x साइन 8x जो आप खुद करेंगे सेम बिल्कुल इसी तरह से। अभी यहां पर आप देखिए कि ये cos 2x बना और ये भी cos 2x बना, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 2x। अगर मान लीजिए cos 2x ना बनता, ये बन जाता कुछ cos 5x, तो ये बनता cos 5x into cos 2x, तो फिर यहां पर भी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो ये अभी आप क्वेश्चन 2 खुद करेंगे और वीडियो को पॉज करके आप फटाफट नोट करिए। अब हम आगे की ट्रिक सीखते हैं, आगे क्या ट्रिक है। मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अब मैं cos और sin की बड़ी पावर्स को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाता हूं। अभी आप देखिए बड़ी पावर्स कैसे सोल्व करेंगे। नोट, ये एक तरह से हमारी फॉर्म्स है, ठीक है, कि बड़ी बड़ी फॉर्म्स, ये हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, तो अभी आगे जाकर के बीच में आएंगी और जहां पर भी बनेगी हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमने वहां पर सीखी थी उसको मैं अप्लाई करूं। जैसे अब मेरे पास है साइन की पावर एन एक्स, साइन टू दी पावर एन और कोस टू दी पावर एन, एन वेयर एन इज ओड, ओड मतलब कोस की पावर 3 साइन की पावर 3 या पावर 5 या पावर 7 या पावर 9 या पावर 11 मतलब ओड पावर। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओड पावर में हम क्या करते हैं, जैसे साइन की पावर एन एक्स है तो इसे हम ब्रेक करते हैं एन माइनस 1 में और इनटू दिस, यानी कि एन में से एन माइनस 1 यहां कर लिया और एन पावर में से इसकी एक पावर हमने यहां लिख ली। अब ये हमेशा इवन पावर बनेगी, भाई एन ओड है तो एन माइनस 1 क्या होगा, हमेशा एन माइनस 1 हमेशा बनेगा इवन। अगर ये 7 है तो ये 6 बनेगा, 9 है तो ये 8 बनेगा। तब आपको क्या करना, ऐसे ही कोस वाले सेम, दोनों में सेम काम है,
और यूज करना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें ब्रेक करना है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसी के ऊपर। साइन टू दी पावर फाइव टू एक्स प्लस थ्री, ये क्वेश्चन ना भी अपनी तरफ से लिखवाया है मैंने, एक्सरसाइज में भी इस तरह के दो तीन क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं। अब ये आ गया साइन की पावर फाइव, आ गया ओड, इसको मत देखिए अपना चेंज हो जाएगा भाई। ओड आ गया, ओड में क्या करते हैं एक पावर अलग कर लेते हैं, बाकी पावर को अलग कर लेते हैं। साइन टू दी पावर फोर टू एक्स प्लस थ्री इंटू साइन टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री की पावर टू साइन टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर साइन टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, साइन लिखा है तो साइन को टी मानेंगे, कोस लिखा है तो कोस को टी मानेंगे, उसके बाद आपको लेट कोस टू एक्स प्लस थ्री को हमें मानना है टी। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी हम टी मानते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं भैया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, साइन एक्स का कोस का डिफरेंशिएशन आएगा साइन टू एक्स प्लस थ्री, फिर टू एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन आएगा टू, और यहां पर आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ डी टी। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है सिंगल फंक्शन में, कैसे भैया, इसे तो आपने माना टी, ये तो बन गया टी स्क्वायर का स्क्वायर, बाकी दिखा आपको साइन टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, साइन टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स बन गया माइनस हाफ डी टी, तो माइनस हाफ डी टी। अब आप इसे खुद भी कर सकते हैं, फिलहाल a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और डी टी। अब आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, वन का होगा t, वन का x मत लिख देना क्योंकि वेरिएबल dt है तो t आएगा वन का, और डी एक्स है तो एक्स आएगा, डी थीटा है तो थीटा आएगा, कॉन्स्टेंट का ध्यान रखना। टी टू दी पावर फोर बनेगा टी टू दी पावर फाइव अपॉन फाइव, और ये बनेगा टी टू दी पावर थ्री प्लस थ्री, थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। अब आप यहां पर आराम से टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है मेरे पास कोस टू एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपॉन फाइव cos 2x plus 3 की पावर 5 माइनस 2 बाई 3 cos 2x plus 3 की पावर 3 प्लस सी इज द आंसर। सो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, ये ध्यान रखना, अगर ये cos होता तो cos होता, यहां पर भी cos, फिर यहां पर होता तुम्हारा sin, तो sin को टी मान लेंगे। तरीका यही है, ओड पावर आपको सोल्व करनी है किसकी, sin और कोस की, कितनी भी बड़ी ओड पावर आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी तो नहीं आएगी क्योंकि फिर ये पावर आपकी ज्यादा बड़ी आ जाएगी, तो इजिली फाइव तक या थ्री तक ही आती है, मैक्सिमम थ्री या ज्यादा से ज्यादा आया तो फाइव पावर तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है अभी ओड पावर का, तो ओड पावर के क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी में वो है फिलहाल एक क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एक फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो आप उन्हें खुद करेंगे
बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। डी वाई एस आप खुद कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और आप इसे नोट करिए। अब मैं आपको सिखाता हूं इवन पावर कैसे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं हम इसकी इवन पावर कैसे सोल्व करते हैं। ये भी आपके पास एक फॉर्म है कि साइन टू दी पावर 4x dx और n लिखेंगे फिलहाल यहां पर n x dx वेयर n इज इवन। तो इवन अगर n है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो नोट है हमारे यहां पर इवन में आपको कुछ नहीं करना है, हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं। साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 यूज करना है, और अगर कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 लिखना है। तो इवन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्योंकि 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर का, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करते हैं अभी आपके सामने। cos टू दी पावर 4 dx, फिर 10 है हमारे पास sin टू दी पावर 4x और 1 है हमारे पास sin स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है cos स्क्वायर 2x की पावर 2। अगर ये 8 पावर है तो 2 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, 10 पावर है तो 2 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना है, बस। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्या है ये 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2, यानी कि यहां पर आएगा हमारे पास 4x। यहां पर 4x क्यों आया है, थीटा का 2 थीटा बनेगा तो 2x का 4x बनेगा, 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 बाहर आ गया। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अभी हमने देखा फिर यहां पर cos स्क्वायर बन गया। अभी नोट लिखवाया था और यहां पर भी लिखाया है cos स्क्वायर को हमेशा ये लिखना है आपको, ये फिर मुझे cos स्क्वायर दिख गया, मैं फिर चेंज करूंगा इसको। जब तक साइन और कोस की 1 पावर ना आ जाए तब तक करते रहो। कोस स्क्वायर 4x को हम लिखेंगे 1 प्लस कोस 8x बाय 2, 4x का बन जाएगा 8x इस वाले फॉर्मूले से, प्लस 2 कोस 4x dx। यहां से 2 एलसीएम ले लेते हैं, चलो अब यहां कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 1 अपॉन 4, 2 ले लिया एलसीएम तो ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस कोस 8x प्लस 4 कोस 4x dx, तो 3 प्लस कोस 8x प्लस कोस 4x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वेरी इजीली, 3 का हो गया 3x, cos 8x का हो गया sin 8x upon 8, इसका आ जाएगा 4 cos 4x upon 4 plus c। अभी 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 3x by 12, 1 by 32 sin 8x plus 4 से 4 कट गया, 1 upon 4 cos 4x plus c। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। यहां अभी हमसे मिस्टेक हो गई, जो हमने 2 यहां से एलसीएम लिया था ना, वो 2 बाहर इसकी मल्टीप्लाई में जाकर यहां पर 8 बनेगा, यहां पर भी 8 आएगा और यहां पर भी 8 आएगा, और ये बनेगा 3x by 8
और ये बनेगा 64 और ये बनेगा 80। अब आप इसे नोट करिए और यहां पर बनेगा साइन। कभी कभी जल्दीबाजी में, देखिए जल्दीबाजी में हमसे भी गलती हो जाती है, इसलिए कभी भी आप ज्यादा जल्दीबाजी ना करें और क्वेश्चन को ध्यान से करें, क्योंकि क्वेश्चन हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है जब हम जल्दीबाजी से क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल यहाँ तो गलती हो गई, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती हो जाए तो नंबर कट जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सोल्व करिए ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। जो 20 के क्वेश्चन छोड़े हैं वो हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 रह गया अभी, चलो 12 भी देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। देखिए ये हम काफी बार कर चुके हैं कि 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूले से, और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ी थी, हमने वहां पर भी यूज किए हैं काफी बार। तो ये हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कैंसिल हो गया, बना टेन स्क्वायर एक्स, और मैंने अभी आपको बताया था टेन स्क्वायर को लिखते हैं हमेशा सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x अपॉन में x का कोफिशियंट, और x का कोफिशियंट है 1/2 लिखना पड़ेगा। 1 का x प्लस c, 2 ऊपर पहुंच गया, 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से हो जाएंगे। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहा करो। आगे हमारे पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसके काफी सारे तरीके हैं करने के। मैं क्या कर रहा हूं, अब आप देखिए, ऊपर मैंने 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर को ब्रेक कर, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देते हैं। 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ये आपका कट गया तो 1 बचा। और 1 प्लस cos x मैंने अभी बताया था, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये तुम्हारा आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए भैया, 1 का तो होता है x, sec स्क्वायर x का होता है 10, अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2α अपॉन cos x माइनस cos α। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर एंगल डबल है, नीचे एंगल हाफ है। जब एंगल को हाफ करना हो भाई, या तो इसे x का 2x बनाओ या 2x का x बनाओ, तभी हमारी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये एंगल हमारे ना कट सकते हैं, ना प्लस हो सकते हैं, ना माइनस हो सकते हैं। तो एंगल को हाफ करना हो या एंगल को डबल करना हो तो ऑलवेज यूज हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूला देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा यूज करें भाई, जब क्वेश्चन पूरा cos में है तो sin जबरदस्ती क्यों डालें, cos में रखो। तो ये cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा का लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, और नीचे हम ऐसा ही रहने देंगे। अभी आप
देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, अब वन से वन गया, ऊपर से टू कॉमन आ गया, अब आप ये देखिए यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन, भैया ये कट गया आपका और हमारा क्वेश्चन इंडिविजुअल अलग अलग हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स प्लस कोस अल्फा डीएक्स। अब यहां पर देखिए भैया कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स। अब यहां पर बच्चे ये गलती करते हैं, वो कोस अल्फा का लिख देते हैं साइन अल्फा, गलत। कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है भाई, ये क्या है डीएक्स, dx का मतलब है जो भी फंक्शन x में है वो वेरिएबल है, जो फंक्शन x में नहीं है वो कॉन्स्टेंट है। तो cos अल्फा में x नहीं है तो cos अल्फा कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का होता है x प्लस c। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये टोटल एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड है, अगर आइडेंटिटीज आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज में। अब आप देखिए ये वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका कट गया यहां से देखिए, तो ये बचा वन माइनस कोस एक्स डी एक्स, वन का हो जाएगा एक्स, कोस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, आपका ये आंसर आ गया है। अब आप देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिक भी है लेकिन ये बाद में बताई जाएगी क्योंकि तो इसके अंदर अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, आगे की एक्सरसाइज में ये ट्रिक्स एज ए ट्रिक आएगा हमारे सामने, तो वहां पर ये समझाऊंगा। फिलहाल अभी क्योंकि आइडेंटिटीज का यूज करना है तो अभी हम आइडेंटिटीज का यूज ही करेंगे। कोस एक्स माइनस साइन एक्स है। अच्छा देखिए इस वन को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और जो ये साइन टू एक्स है इसे लिख सकता हूं मैं टू साइन एक्स कोस एक्स। तो नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो नीचे हमारा एक फॉर्मूला बन गया ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो कोस एक्स प्लस साइन एक्स है हम इसे टी मानेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बन गया हमारा डी टी। तो क्वेश्चन हमारा बन गया ये भाई, इसे तो टी मान लिया वन अपॉन टी स्क्वायर, बाकी बन गया डी टी, तो ये हो गया टी की पावर माइनस टू। इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये आ गया माइनस वन अपॉन टी, और हम टी की वैल्यू डाल देंगे कोस एक्स प्लस प्लस सी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। एक्सरसाइज 7.3 के हम क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सभी करने हैं, फिलहाल इन्हें नोट करिए, इन्हें समझिए, फिर इन्हें दोबारा करिए। सो इस क्लास में इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन।